अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल तक हमने जितने भी सेशन हुए हैं वो क्लियर किया था। होलसेल मॉड्यूल आज का, आज आपका कवर हो जाएगा इसमें। टू बी हॉनेस्ट, मैंने वो नहीं किया कि एक 15 डेज और 1 मंथ एक होलसेल में लोग लगा देते हैं। तो अगर हमने सेशन 20 मिनट का भी रखा है तो सबके जो स्टेप्स हैं वो कवर कर दिए हैं, तो यही सब कुछ है। और ये आपका होलसेल आज क्लियर हो जाएगा, यही सारा कुछ है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये आपने लर्न किया, दिस मीन कि आप होलसेल पे आपका पूरा ग्रेप हो जाएगा। सो बाकी ये है कि वो तो एक्सपीरियंस पे आ जाएगा कि मार्केट में किस तरह के ब्रांड्स अवेलेबल है, फिर कहाँ से अप्रूवल किस तरह लेना है, वो विद एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको। वो आप अगर ट्राई करेंगे और जब आप कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग और इस तरह से स्टार्ट कर लेगी तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। इन द बिगिनिंग आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉलेज आपको होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इन 2 और 3 सेशंस में आपका होलसेल मॉड्यूल फुल कवर हो जाएगा। सो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाते हैं, ठीक हो गया, कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। हमने जिस तरह के हंटिंग और उसमें किया था कि प्रोडक्ट हंट किया और फिर उसको सोर्स करने के लिए कॉन्टेक्ट करना, वो सारा प्रोसेस हो गया। तो एक ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दी, नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है और अमेजोन वेयरहाउस को शिप कैसे करना है, तो वो आज हम कवर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्रांड है श्रामोन श्रामोन टीना, इन्होंने आप लोगों को अप्रूवल दे दी, ठीक हो गया, और इन्होंने आपको स्टॉक को आपने यहाँ से परचेज कर लिया। यहाँ से परचेज करके फिर आपने अमेजोन वेयरहाउस को शिप करना है, और पहले अमेजोन पे लिस्ट करना है और उसके बाद शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, तो ही आपका आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस पहुँच जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं ये प्रोडक्ट के बारे में। ये हम ये लिस्ट करना चाहते हैं, ये प्राइस पे हमने परचेज किया, कहाँ से परचेज किया, ये ट्रामोंटीना से, इसका एसएन यहाँ से देखिए, ये एसएन, ठीक हो गया, ये एसएन आप कॉपी कर लें। और ये ऐसे यहाँ पे आप, ये मैं अभी कभी पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप आए, ये एड एड प्रोडक्ट्स पे आए, आप इट ऑफ पे एड प्रोडक्ट्स पे आए। काइंडली इसको मोबाइल निकाल के तो नहीं दिया था खाली शाम में सर। आप म्यूट करें। एड कैटलॉग पे आके टीचर यहाँ पे आके आपने कैटलॉग पे चुप करके ना बैठ जो थोड़ी एंड आप म्यूट करें, म्यूट करें आप जो भी हैं और सब अपने चेक कर ले, अपने अपने वॉइस मैं कर लेता हूँ ये सब। अच्छा, तो कैटलॉग पे आके यहाँ पे ऐड टू ऐड प्रोडक्ट्स करना है आपने। ऐड प्रोडक्ट्स करने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे वो ऐसे ना आप टेस्ट कर ले जो जिस ऐसे के अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, ठीक हो गया, इसको मीटू कहते हैं, ठीक है, मीटू यही कहते हैं। इस ऐसे को ऐड ऐड प्रोडक्ट करके यहाँ पे आपने ऐसे डाल दी और फिर सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद की एक प्रोडक्ट डालनी है, फॉर एग्जाम्पल पीएल के लॉन्च करें, तो फिर इस पे जाएंगे, आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, जो अमेजोन पे सेल नहीं हो रही, तो इस पे आपने क्लिक करना है। लेकिन ये अमेजोन पे ऑलरेडी अवेलेबल है और इस पे हमने मी टू करना है, इस वजह से हमने यहाँ एसेंट डाल के सर्च किया, फिर उसके एसेंट की जरूरत नहीं होगी, फिर डायरेक्ट इस पे क्लिक करके लिस्टिंग आपको ओपन हो जाएगी। लेकिन मी टू करने के लिए इस पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, एसेंट डाल के सर्च, सर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट ये वही है जो अभी हमने अमेजोन पे ओपन किया था, ये प्रोडक्ट है, इस पे 3 सेलर्स अवेलेबल है अभी, तो ये हम इस पे मीटू करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप ये यहाँ पे ये होगा सेलेक्ट कंडीशन, कौन सा कंडीशन, न्यू कंडीशन में हम सेट करेंगे, यूज मीनिंग में, यूज मीन यूज में प्रोडक्ट न्यू सेट करते हैं, हम न्यू कंडीशन में करें, न्यू सेलेक्ट करके सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें, सेल दिस प्रोडक्ट, ये नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एपीआई में आप इसके यू वगैरह सेम ऐसे ही रहने दें एज इट, और प्राइस आप इनकी अपनी डाल दें जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, इसको 52 पे $30 पे सॉरी 30 पाउंड पे सेल करना चाहता हूँ, मैंने 30 डाल दी, बाकी आपकी जो प्राइस होगी उस हिसाब से आपने डाल दीजिए कि फॉर एग्जाम्पल जिस पे आपने परचेज करके फिर अपने शिपिंग चार्जेस सब डाल के और जो एपीए के चार्जेस वो भी काउंट करके, वो एपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने एक वीडियो शेयर की थी उस पर आप देख लें, तो उसी के हिसाब से आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल के उसके बाद प्राइस लिस्ट कर लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी कितने यूनिट्स आप शिप करेंगे या डालेंगे एपीए में, तो हम मैं 30 यूनिट फॉर एग्जाम्पल कंडीशन यहाँ से फिर दोबारा सेलेक्ट कर लें न्यू, और यहाँ पे फुलफिलमेंट का है कि कौन फुलफिलमेंट है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ या अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल बाय अमेजोन, एफबीए हम करना चाहते हैं तो एफबीए मैंने सेलेक्ट किया, और ये बस यही प्रोसेस आपके एक प्रोडक्ट लिस्ट होने का मीटू करने का यही प्रोसेस है, बस आपका प्रोडक्ट मीटू हो जाएगा, ठीक हो गए। नेक्स्ट सेव एंड फिनिश करके, सेव एंड फिनिश क्लिक कर किया आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, ठीक हो गया। तो ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, लिस्टिंग का यही है। Excuse me, sir. ये जो हम लोग अप्रूवल लेते हैं फिर उसका क्या मतलब सीन है, ये तो सिंपली हो गई, इसमें तो हमने कोई भी इनवॉइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाला, वो कैसे डालते हैं? हाँ 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 हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ये इनवॉइसेस वगैरह का ये है कि जिस पे यहाँ पे आपने ये डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ये आप अभी म्यूट कर ले, अभी म्यूट कर ले, अच्छा तो उस पे ये है, अगर इस पे फॉर एग्जाम्पल इनवॉइसेस मांग रहा है आपसे अप्रूवल के लिए, पहले से ही मांग रहा है, अप्रूवल तो लाजमी है, वो तो आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी नहीं मांग रहा है तो ठीक है, इस पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जैसे स्टार्ट में आप लिस्ट करते हुए कुछ भी आपसे अप्रूवल के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगेंगे, लेकिन जैसे आप लिस्ट कर लें और अमेजोन वेयर हाउस को शिप कर लें तो उसके बाद अमेजोन आपको ई मेल करेंगे कि ये आप लोग, अमेजोन की तरफ से ई मेल आएगी कि आप इसके इनवॉइसेस अपलोड कर दें, ठीक हो गया, और तो आप ईमेल के थ्रू उनको फॉरवर्ड करके कर दें करेगी, ठीक हो गया। इस में अभी नहीं मांग रहे, लेकिन जिसमें मांग रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो उस पर कहे कि अप्रूवल के लिए आप अप्लाई करें, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक हो गया।